ग्रीनलैंड जिसका 80% एरिया बर्फ से ढका हुआ है, पर इस मोटी बर्फ की चादर के नीचे कुछ ऐसा छिपा है जिसे हासिल करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे कि रशिया, अमेरिका और चाइना जी जान लगाकर मेहनत कर रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका ने डेनमार्क जो ग्रीनलैंड को कंट्रोल करता है उसे भी खरीदने की कोशिश करी है। दरअसल ग्रीनलैंड में जो खजाना छिपा है उसकी कीमत अमेरिका की कुल जीडीपी से भी कई गुना ज्यादा है। तो आखिर ऐसा क्या छिपा है ग्रीनलैंड में कि दुनिया के सभी सुपर पावर देश इसे पाने की कोशिश में लगे हैं? दरअसल डेनमार्क द्वारा रूल्ड ग्रीनलैंड जो इससे 50 गुना ज्यादा बड़ा है, यहाँ की आबादी सिर्फ 56,000 है, जिसमें से 90% लोग ग्रीनलैंड की कैपिटल सिटी न्यूक में ही रहते हैं। पर यहाँ की आबादी इतनी कम होने का मेन रीजन है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, टेम्परेचर और खाने की कमी, क्योंकि ग्रीनलैंड का 70% हिस्सा उत्तर में आर्कटिक सर्कल रीजन में बसा है जहाँ सूरज की रोशनी काफी कम मात्रा में पहुँचती है, इसीलिए ये जगह बेहद ही ठंडी रहती है। पर गल्फ स्ट्रीम से आने वाली गर्म हवाएं ग्रीनलैंड की साउदर्न एरिया को कंपैरेटिवली ज्यादा गर्म रखती है, इसके चलते ग्रीनलैंड के बड़े शहर इसी एरिया में बसा है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ का तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण यहाँ की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे ओशंस लेवल भी बढ़ रहा है, और इसीलिए सालाना 200 गीगाटन आइस ग्रीनलैंड से पिघल कर समुद्र में पानी के रूप में मिक्स हो रहा है। और अगर यही हाल रहा तो इस सदी के अंत तक दुनिया भर में सी लेवल करीबन 30 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका होगा। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग ग्रीनलैंड में मौजूद 2.9 क्वाड्रिलियन मेट्रिक टन बर्फ बस कुछ सदी के अंदर कम्प्लीटली पिघल कर पानी के रूप में समुद्र में मिल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो धरती का सी लेवल 7 मीटर तक बढ़ सकता है, जिससे सैन फ्रांसिस्को, मियामी, इजिप्ट, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल जैसे मेजर कोस्टल सिटीज डूब चुका होगा। और नासा के अकॉर्डिंग ग्रीनलैंड के सारे बर्फ पिघलने के कारण धरती की रोटेशनल स्पीड भी कम हो जाएगी। लेकिन इस बर्फीले चादर से ढके देश में इंसानों को कई ऐसे रहस्यमय और चौंकाने वाली चीजें मिली है जिसका अंदाजा शायद ही दुनिया ने लगाया होगा। इन्हीं में से एक है ये, जो कि साल 1968 में न्यूक्लियर बम से भरा एक अमेरिकन बॉम्बर ग्रीनलैंड के ऊपर से उड़ान भर रही थी, लेकिन अचानक इंजन में आग लगने के कारण पायलट को ग्रीनलैंड के सुनसान इलाके में क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी, जिसके तुरंत बाद अमेरिका और डेनमार्क ने मिलकर उस प्लेन में लगे न्यूक्लियर बॉम्ब को ढूंढने के लिए सर्चिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसके तहत इन बॉम्ब्स को ढूंढ लिया गया। पर इनके कुछ बेहद जरूरी पार्ट्स लाइक सेकंड स्टेज सिलेंडर, जिसमें यूरेनियम और लिथियम जैसे खतरनाक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर फ्यूल्स मौजूद थे, वो नहीं मिले, और जिन्हें आज तक ढूंढा जा रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं है, ग्रीनलैंड के डिफरेंट एरियाज में रिसर्चर्स द्वारा की गई आइस ड्रिलिंग के दौरान यहाँ की मोटी बर्फ की चादर की हजारों फीट गहराई में वैज्ञानिकों को 33 से 56 मिलियन साल पुरानी आइस भी मिली। साल 2013 में तो नासा ने अपने सैटेलाइट में मौजूद रडार टेक्नोलॉजी की मदद से कई किलोमीटर मोटी बर्फ के लेयर्स के नीचे दबे सतह का 3D मैपिंग तैयार किया, जिसमें उन्हें कई चौंकाने वाली चीजें दिखी, जिनमें से एक था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिडन कैनियन, जिसकी लंबाई 750 किलोमीटर, गहराई 800 मीटर और 10 किलोमीटर चौड़ी थी। और ये घाटी जो आज तक खोजी गई दुनिया की सबसे बड़ी घाटी निकली, जो हजारों सालों से ग्रीनलैंड की स्थित आइसलैंड के नीचे दबी थी। वैज्ञानिकों ने जिसे ग्रीनलैंड्स ग्रैंड कैनियन का नाम दिया। इसके अलावा 2015 में 3D मैपिंग के दौरान साइंटिस्ट ने तो बेहद बड़े क्रिएटर्स की खोज करी, और रिसर्च में यह पाया गया लगभग 58 मिलियन साल पहले ग्रीनलैंड की सतह से उल्कापिंड टकराया था। उस समय ग्रीनलैंड हरियाली से भरपूर थी, पर आज ये दोनों ही क्रिएटर्स कई किलोमीटर थिक आइस लेयर से ढक चुका है। पहला क्रिएटर 31 किलोमीटर चौड़ा है, जो ग्रीनलैंड के हियावाथा ग्लेशियर के नीचे है, तो वही दूसरा 36 किलोमीटर चौड़ा क्रिएटर इससे 187 किलोमीटर दूर स्थित है। इन सब चीजों के अलावा ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे सबसे इम्पोर्टेंट या यूं कहें जो खजाना मौजूद है वो है नेचुरल रिसोर्सेज, खास तौर पर हाइड्रोकार्बन्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रीनलैंड में 412 बिलियन बैरल हाइड्रोकार्बन्स मौजूद है, जो पूरी दुनिया में पाया गया ऑयल रिजर्व का 13% है। यहाँ तक कि ग्रीनलैंड में दुनिया की 30% अनडिस्कवर्ड नेचुरल गैसेस रिजर्व भी है, और सबसे जरूरी है ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिसका इस्तेमाल आज के समय इंसानी सभ्यता द्वारा इजाद की गई हर टेक्नोलॉजी में किया जा रहा है, चाहे वो स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक कार हो या फिर कंप्यूटर से लेकर हवाई जहाज हो। पर इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर पूरी तरह चाइना ने कब्जा करके रखा है, जो पूरी दुनिया का 85% रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सपोर्टर है।
इसीलिए चाइना को टक्कर देने के लिए अमेरिका ग्रीनलैंड में मौजूद इंडियन अर्थ एलिमेंट रिजर्व पर कंट्रोल पाना चाहता है, जिसके लिए अमेरिका ने डेनमार्क जो ग्रीनलैंड को कंट्रोल करता है उसे पैसा भी ऑफर किया था इन रिजर्व को खरीदने के लिए, पर डेनमार्क ने उनकी बात नहीं मानी। और आज के समय ग्रीनलैंड की सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है नर्सक, जिस पर इस समय दुनिया का हर सुपर पावर देश नजर टिकाए बैठा है, क्योंकि सिर्फ 1346 पॉपुलेशन वाले इस छोटे से नर्सक शहर में दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व मौजूद है। और जिस साइट पर ये रिजर्व पाया गया है उसका नाम है केविन फील्ड। अब रिसर्च के मुताबिक केविन फील्ड के इस रिजर्व में व्हाइट टेडियम स्कैंडियम जैसे 11 मिलियन टन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स और 270,000 टन ऑफ यूरेनियम रिजर्व भी मौजूद है। तो दोस्तों, आपका ग्रीनलैंड के बारे में क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।